एक ऐसा कहानी जो शुरू हुई थाईलैंड से लेकिन अपनी पहचान बनाई नेपाल में। ये किस्सा बस नूडल की नहीं बल्कि एक विजन, स्ट्रगल और सक्सेस की है। ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको इंस्पायर करेगा और बिजनेस के कुछ एसेंशियल लेसन भी सिखाएगा। नंबर वन, द ओरिजिन ऑफ वाई वाई। 1972 में थाईलैंड में एक छोटी सी कंपनी थाई प्रिजर्व फूड फैक्ट्री कंपनी लिमिटेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनका मकसद था एक रेडी टू ईट प्रोडक्ट डेवलप करना जो फौरन बन जाए और आसानी से अवेलेबल हो, और यहीं से शुरू होती है वाई वाई की कहानी। YY 5 Green Noodles brings you goodness. YY को शुरू में फ्लेवर और क्वांटिटी पर बहुत फोकस किया गया। रेडी टू ईट कंसेप्ट उस वक्त नया था और लोग इसे काफी पसंद करने लगे, लेकिन थाईलैंड से बाहर इस ब्रांड ने कैसे अपना पैर जमाया, ये है कहानी की नेक्स्ट चैप्टर। YY एंट्री इनटू नेपाल। 1985 में YY को नेपाल में इंट्रोड्यूस किया गया, एक नया मार्केट में एक नया जर्नी के साथ। 1985 में YY नेपाल में इंटर तो हो गया, लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। मार्केट काफी डिफरेंट था और कंपटीशन भी हार्ड था। नेपाल में नूडल मार्केट एस्टैब्लिश ब्रांड से बाहर था। पहले YY को लोगों तक पहुंचाने में काफी चैलेंजेस आए, लोगों का टेस्ट डिफरेंट था और उन्हें कन्विंस करना था। तभी YY ने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। एक इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन से YY ने अपने टारगेट ऑडियंस को समझा। उन्होंने रेडी टू ईट कॉन्सेप्ट एम्फसाइज किया और इसके कन्वीनियंस को हाईलाइट किया। ऐसे ही YY ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाना शुरू की। जैसे जैसे 1990s आया, YY ने अपने मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर फुल फोकस करना शुरू किया। हर छोटी दुकान से लेकर बड़ी दुकान तक हर जगह YY अवेलेबल करवाया। YY ने अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया, डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट साइज और अफोर्डेबल प्राइस में। ये स्ट्रेटेजी काफी सक्सेसफुल रही और फिर जो हुआ वो हिस्टोरी है। टीवी, कमर्शियल, बिलबोर्ड्स और इवन स्कूल में डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन से YY ने अपने ब्रांड को लोगों के दिमाग में बसा दिया। इतना हेवी मार्केटिंग के साथ एक और सीक्रेट था उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। YY ने इंश्योर किया कि उनका प्रोडक्ट हर कोने तक पहुंचे। डिस्ट्रीब्यूशन पर इतना फोकस किया गया कि आज नेपाल में आपको शायद ही कोई जगह मिलेगी जहां YY अवेलेबल ना हो। YY का फैक्ट्री स्ट्रेटेजी पहले नजर में तो इफिशेंट लगता है, लेकिन आप जानते हैं YY को ऐसा क्या नहीं करना चाहिए था जिससे लोगों का हेल्थ में असर भी ना पड़े और फ्यूचर में YY का डिमांड और भी तेजी से बढ़े। ये फैक्ट्री अपने प्रोडक्शन के चक्कर में एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। रिवर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वेस्ट पोल्यूशन, इन सब का इम्पैक्ट हमारे इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। क्या आपको पता है ये जो छोटी सी नूडल पैकेट में एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो कितने डेंजरस हो सकते हैं? इसके अंदर का सोडियम लेवल और मसालों में छुपी हुई अनहेल्दी ऑयल, सब कुछ ये नूडल खाते वक्त आपको लगता है सिर्फ टेस्ट का मजा ले रहे हैं, पर असल में आप अपने हेल्थ को कम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। ये एक सच्चाई है जो कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। ये आपके बॉडी को सिस्टमेटिकली हार्म करता है। रिसर्च बताती है कि इसमें जो हाई सोडियम कंटेंट होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है। इसमें जो MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, लेकिन साथ ही साथ उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट काफी डेंजरस हो सकते हैं। YY को अपने प्रोडक्ट के एनवायरमेंटल और हेल्थ इंपैक्ट को एड्रेस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। पहले तो YY अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी में सस्टेनेबल प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करें जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल और एनर्जी एफिशिएंसी पर फोकस हो। दूसरा, अपने प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट में रिफॉर्मुलेशन करके हेल्थ कॉन्शियस इंग्रेडिएंट का यूज करें। ये एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स के लेवल को कम करने से हो सकता है, जैसे कि सोडियम और अनहेल्दी ऑयल्स को रिड्यूस करके और हेल्दियर अल्टरनेटिव को इंट्रोड्यूस करना। MSG जैसा कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट के मामले में YY को अपने कस्टमर को एजुकेट करने के लिए क्लियर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन पर जोर देना चाहिए ताकि कंज्यूमर इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। इन सब स्टेप के जरिए YY अपने इंडस्ट्री में एक रिस्पॉन्सिव और सस्टेनेबल ब्रांड के रूप में पहचान बना सकता है। नंबर 4, लेसन फ्रॉम YY सक्सेस। तो YY की इस सफर से हम क्या सीख सकते हैं? क्या सिर्फ मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ने उन्हें सक्सेसफुल बनाया या कुछ और भी था? पहला लेसन है कि मार्केट को समझो और फिर अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। दूसरा लेसन है कस्टमर कन्वीनियंस पर फोकस करो। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, कंसिस्टेंसी। YY ने अपने टेस्ट और क्वालिटी को कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया। YY की सक्सेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट और कस्टमर पर फोकस करते हो तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप ऐसे ही और स्टोरी से इंस्पायर होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। और अभी तक आपने गोरखा आर्मी वाली वीडियो नहीं देखी तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।